Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बड़ा ही सिंपल आई मेकअप. तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं. आपको कहीं भी बहुत जल्दी में जाना हो तो आप इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं. ये मेकअप मैं करने वाली हूँ क्योंकि मैं गदर मूवी देखने जा रही हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं मेकअप कर पाऊँ. तो मैंने जल्दी से सोचा क्यों ना मैं आपके लिए कॉन्टेंट ले आती हूँ. मैं आपको सिखा देती हूँ थोड़ा सा मेकअप की कैसे ईजिली जल्दी जल्दी मेकअप करना होता है. मैं यहाँ पर आई हुई हूँ यूपी में और कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मैं अपने साथ लेकर नहीं आई हूँ. तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेबी वाइप्स यूज़ किया है. उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये टोनर. ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है और बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है आजकल. सेंसिटिव होने के साथ साथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल. अच्छी खासी क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर इसकी यूज़ की है. कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें 1 से 2 मिनट का गैप दे देकर ही यूज़ करना. लेकिन मैंने काफ़ी जल्दी की है आज क्योंकि मुझे मेरी मूवी देखने जाना था. मुझे बहुत ज़्यादा शौक था. गदर मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तो मैं थिएटर जाकर ही देखूंगी. बड़ी मुश्किल से टिकट मिली है और वो भी आगे की सीट मिली है, बहुत ज़्यादा पीछे की नहीं है. तो चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं. फिर मैंने हिमालय का लिप बाम यूज़ किया है. उसके बाद मैंने O2O आई प्राइमर यूज़ किया था और मेरे पास मिरर भी नहीं था जो कि मैं यूज़ कर लेती और मैं देख लेती कि मैं कैसे लगा रही हूँ. मैं कैमरे में देख देख कर ही फ़ोन के कैमरे में और जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी. इसके बाद मैंने फटाफट से इसको कर लिया था अप्लाई. अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंडर यूज़ किया और इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया क्योंकि क्या होता है ना आई प्राइमर से बहुत ज़्यादा लाइनिंग क्रीसिंग नहीं होती है इसलिए यूज़ करते हैं. कंसीलर यूज़ करोगे थोड़ा थिक हो जाता है. उसके बाद मैंने एक पाउडर यूज़ किया, लूज़ पाउडर यूज़ किया है यहाँ पर मैंने. कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो. मैंने फटाफट से इसको लॉक कर लिया था जिससे कि लाइनिंग ना हो और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो सके. उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया है कोहल काजल पेंसिल. रिकोड पेंसिल आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि कोहल पेंसिल ही यूज़ करो, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो. इसमें लाइनिंग नहीं करनी है, विंग लाइनर आपको क्रिएट नहीं करना है, एक नॉर्मल सा लाइन क्रिएट करनी है. उसके बाद आपको ब्लैक कलर के साथ अच्छे से इसको ब्लेंड आउट कर देना है और फटाफट से इसको ब्लेंड आउट करने के बाद जो एजेस बचती हैं ना उसको ब्राउन के साथ इसको अच्छे से स्मज करना है. मैंने ब्राउन कलर लिया है और देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि इसको मैंने कितने अच्छे से स्मज किया है ब्राउन कलर के साथ. फटाफट से दोनों आईज़ को मैंने फटाफट से ब्लेंड किया क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मुझे जल्दी से जाना था वरना मेरी मूवी मिस हो जाती. और मैंने जल्दी से इसको करने के बाद मैंने एक बहुत लाइट ब्राउन कलर लिया था और इसके बाद थोड़ा बड़ा और फ्लफी ब्रश लिया और इसको अच्छे से ना बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था. ब्लेंड आउट करने के बाद क्या रहता है ना कि आईज़ को ऊपर तक ब्लेंड आउट करना होता है, ऐसे नहीं कि आपने थोड़ा थोड़ा लिट पर ही कर लिया. आईब्राउज तक मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट किया. इसके बाद मेरे पास ये क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक था क्योंकि मैं ऑरेंज करेक्टर नहीं लेकर आई हूँ और मेरे डार्क सर्कल हैं तो मुझे इसको हाइड करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करना था. आप कभी भी ना फाउंडेशन को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, हमेशा पिगमेंटेशन को पहले कंसील करना और मैं बोलूँगी करेक्शन भी करना. और मेरे पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है इस बार तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको. मैंने फटाफट से कर लिया था ब्लेंड क्योंकि अगर आप ऐसे ही फाउंडेशन लगाते हो तो वो ग्रे हो जाता है और मैं हमेशा अपने हैंड के अकॉर्डिंग मेकअप करती हूँ. मेरे हैंड थोड़े क्लियर हैं, थोड़े साफ़ हैं तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेकअप करना होता है. थोड़ा सा फेयर ही मेकअप रखती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि अपनी नेक के अकॉर्डिंग कर लूँ, तो मुझे थोड़ा सा फेयर रखना होता है. उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था. ब्लेंड करने के बाद मैंने फाउंडेशन हुडा और PAC को मिक्स करके बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ किया है. इसके बाद मैंने लूज पाउडर के साथ इसको सेट कर लिया था. ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है मैंने, एकदम ये ट्रांसलूसेंट पाउडर था मेरे पास. उसको मैंने बहुत अच्छे से हैंड पे रख रखे क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करूँगी तो मेकअप बहुत ख़राब लगेगा. और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी मुझे क्योंकि जिस रूम में मैं यहाँ पर कर रही थी ना मेकअप वहाँ पर मुझे फ़ैन की हवा नहीं लग रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आगे की साइड बैठी थी और मुझे अगर मैं अंदर की साइड बैठ जाती और AC चला लेती तो अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी. बाहर की साइड से अंदर नहीं आती है डे लाइट और अगर नॉर्मल लाइट में शूट करते हैं तो नहीं दिखता है. रिंग लाइट मेरे पास यहाँ पर थी नहीं क्योंकि मैं अपने घर पर दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर हूँ दिल्ली से. तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से किया और अपनी जो अपर वाटर लाइन है ना इस पर बहुत अच्छे से कोहल पेंसिल को देखो किस तरह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ फटाफट से. और फिर ये हो चुका था, मुझे बहुत नॉर्मल सा मेकअप करना था और बहुत जल्दी जल्दी किया था मैंने. उसके बाद मैंने कोहल पेंसिल को थोड़ा थोड़ा सा 1/3 आई तक अप्लाई किया. उसके बाद मैंने इसको डार्क ब्लैक कलर के साथ ब्लेंड आउट कर दिया. उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया और इसको फिर से ब्लेंड किया, स्मज किया जिससे कि ये बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहा था. कोई काजल वाइट पेंसिल कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ इस तरह से नॉर्मल सा किया है मैंने. और इस तरह से इसको ब्लेंड आउट करने के बाद ये बड़ा ही सुंदर सा लग रहा था. इसके बाद मैंने अपने फेस को लिफ्ट देने के लिए हूला कॉन्टोर यूज़ किया है. बेनिफिट ब्रांड का आता है, थोड़ा सा महंगा है बट मेरा फेवरेट है और शेड इसका मीडियम वाला मैंने यूज़ किया है. अच्छे से कॉन्टोर करने के बाद मैंने ब्लश अप्लाई किया और ब्लश मैंने यूज़ किया है यहाँ पर फॉरएवर 52 स्पॉटलाइट पैलेट जो कि मेरा फेवरेट है. आप लोग जानते ही हैं क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी और ये बड़ा ही सही है. और फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया था. उसके बाद मैंने यूज़ किया है आईब्राउज़ के लिए जो पैलेट मैंने लिया था ना उसी से डार्क ब्राउन शेड आपने लेना है
है, जो भी पैलेट आपके पास है ना, डार्क ब्राउन लेना, कभी भी ये मत सोचना, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आपको बताते हैं अपनी आईब्रोज को हमेशा अपने ब्लैक, अगर आपके हेयर हैं तो उससे लाइट रखना होता है हमेशा हेयर, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हेयर मान लो नीले पीले काले गुलाबी कैसे भी होते हैं तो आप आईब्रोज को थोड़ा ना वैसा करोगे, इसलिए आपको सिर्फ डार्क ब्राउन रखना होता है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक यूज़ किया है ब्राउन कलर की, और देखो मुझे कुछ शेड इसका अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इससे क्या किया था, पहले इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था, और अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर PSC फाउंडेशन जो कि डार्क था थोड़ा, उसको फिंगर से लिप्स पर स्प्रेड किया, और क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर था बड़ा ही सही लग रहा था, कलर भी चेंज हो गया था और लिप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे, डिहाइड्रेट नहीं हुए थे, बड़े सही लिपस्टिक का कलर बड़ा ही सही आ गया था। और इसके बाद मैंने जो है ना फिर अच्छे से एक PSC का मैंने एक हाईलाइटर यूज़ किया है जो कि बड़ा ही सस्ता सा है, अंडर 1000 आ जाता है, मैंने इसको अच्छे से लगा लिया था अपने फेस पर, क्योंकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटर अच्छा नहीं लगता है, आप भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ मत करना डे टाइम में। इसके बाद मैंने ये वेगा का यूज़ किया है जिससे कि मेरे आईलैशेस जो हैं अच्छे से कर्ल हो सके, इसको कलर बोलते हैं आईलैशेस कलर। उसके बाद मैंने यूज़ किया था मैट लुक फिक्सर जिससे कि अच्छे से मेरा मेकअप फिक्स हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो। उसके बाद मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा स्विस ब्यूटी यूज़ किया है, और फाइनल लुक कुछ इस तरह का था, और मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। 5 to 10 minutes लगे थे मुझे रेडी होने में, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये लुक, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है, बिगनर्स के लिए स्टेप बाई स्टेप मैंने ये वीडियो दिया है, तो फटाफट से आप लोग भी इस तरह से मेकअप ट्राई कर सकते हो। और मैं जा रही हूँ मूवी देखने, आई होप कि मूवी अच्छी होगी, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करने के लिए, इतना सारा प्यार मुझे देने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्या आप भी गदर 2 मूवी देखने जा रहे हो। बाय बाय।